देख रहे हैं ये मारपीट, ये बस एंडिंग है। इसके पहले कैसे धुनाई हुई डंडे बट से वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि गजब गदर काटा इन लोगों ने। अब पूछेंगे कि कौन है ये लोग, क्या है मामला, तो जान लीजिए ये खाकी वाले हैं, जिनके कंधे पर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और ये दंगल का रिंग है रायबरेली का जिला जेल, जहां एक जेल कर्मी को जमकर पीटा गया। बताया जा रहा है कि जेल कर्मियों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद एक सिपाही को 5 सिपाहियों ने पुलिसिया बैग से जमकर पीटा, और बाद में जैसे तैसे पीट रहे सिपाही को आसपास खड़े बाकी लोगों ने छुड़वाया, और इस मारपीट में घायल सिपाही को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इसी दौरान मारपीट का वीडियो किसी ने बना डाला, जो वायरल हो गया, जिसके बाद तो मानो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस मामले को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों ने भी यूपी पुलिस और सरकार को घेरना शुरू कर दिया। देखिए कि कैसे नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव तत्परता दिखाते हुए इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए सरकार पर हमलावर होते हैं। अखिलेश इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ बताते हैं और लिखते हैं कि भाजपा सरकार में बेईमान के हाथ में लाठी है और ईमानदार प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक जिला जेल में भ्रष्टाचार में साथ न देने पर पुलिस वाले ही पुलिस वाले को पीट रहे हैं। पुलिस के झूठे मुकदमे करने वाली भाजपा सरकार ने पुलिस को भ्रष्ट कर दिया है, कोई सुनने वाला है क्या? सोशल मीडिया पर सवालों के बीच पुलिस की सफाई भी आ जाती है और एक्शन भी होता है। दिसंबर 2022 सायंकाल लगभग 6-7 बजे अवगत कराया गया कि जेल वार्डर विजय सिंह, जेल वार्डर सौरभ वर्मा, जेल वार्डर प्रवेश कुमार सिंह, जेल वार्डर राजीव शुक्ला तथा जेल वार्डर जसवंत तुमर ने मुकेश दुबे से मारपीट की है। मुकेश दुबे द्वारा यह अवगत कराए जाने के बाद हम लोग जेल पर आए और सारी जांच की, उसके बाद उनको स्पष्टीकरण दिया गया और इसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही संस्थित कर दी गई, समस्त बंदी रक्षकों को हटाने के लिए लिख दिया गया और उनके द्वारा मुकेश दुबे के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मामला जब वायरल हुआ तो रायबरेली जेल के अधिकारियों से लेकर यूपी के डीजी जेल तक हरकत में आए, जहां रायबरेली जेलर ने बयान जारी करते हुए 5 आरोपी पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई की, तो वहीं डीजी जेल ने ट्वीट के माध्यम से कार्रवाई की बात को मीडिया के सामने रखा। वहीं पीड़ित सिपाही मुकेश दुबे की एप्लीकेशन के आधार पर शहर कोतवाली में FIR भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन विवाद किस बात को लेकर था, क्यों ये मारपीट हुई, इसकी जानकारी पुलिस की ओर से गोलमोल कर दी गई कि क्या वाकई इन झगड़े मारपीट की जड़ में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था ही है जो कि आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी इसका जवाब मिलना बाकी है। यूपी तक की कोशिश होगी कि हम जल्द आपको इस स्टोरी से जुड़ी सारी हकीकत पहुंचा सकें। रायबरेली से शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।